ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं Oppo Reno 10 का जो फोन है उसका हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। एंड गाइस, जो भी मेरा इसके साथ जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस होगा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। एंड अगर आप में से कोई भी ये मतलब कि फोन लेने का प्लान कर रहा है तो गाइस आप लोग पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो, उसके बाद जाके आप जो है फोन को परचेज करना या नहीं करना है, करना है वो आपको ये वीडियो देखने बाद पता चलेगा। तो आप लोग पहले वीडियो को देख लो, क्योंकि गाइस मैंने भी जब ये फोन खरीदा तो पहले मैंने काफी सारी वीडियोस देखी एंड मैंने काफी फोन भी यूज करे। मतलब मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी यही फोन है, मैंने उसका कैमरा वगैरह सब कुछ चेक किया, मैंने टेस्ट किया, अच्छे से देखा, तब जाके गाइस मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये फोन लेना ही नहीं लेना। तो आप लोग भी वीडियो को देखो, मैंने वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि कैमरा के बारे में, वैसे मतलब मैंने अदर चीज़ों के बारे में नहीं बताया मेरा, क्योंकि कैमरे का ही काम है तो मैंने उस चीज़ से रिलेटेड बताया आप सभी को इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे वीडियो की बात कि आप वीडियो जो है शूट करोगे अपनी वो आपको गाइस यहाँ पे मिल जाता है 720 से लेके 4K तक अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस सबसे पहले गाइस हम ट्राई करते हैं 4K में कि 4K में हमारी वीडियो कैसी आती है। यहाँ पे गाइस आपको मैं 720 एंड गाइस 1080 में भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 4K क्वालिटी में हमारी वीडियो कैसी रिकॉर्ड होगी। अब गाइस देखिए, आप बात कर लेते हैं कैमरे की जो जिससे आप फोटोज को क्लिक करने वाले हो। यहाँ पे गाइस देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है वाइड एंगल, जिसमें गाइस आप अपने 8 मेगापिक्सल में अपनी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। एंड गाइस जो सेकंड कैमरा है इसमें, जिसमें गाइस आप लोग को 32 मेगापिक्सल में आप अपनी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो गाइस मेन कैमरा है इसका, उसमें गाइस आप 64 मेगापिक्सल में अपनी फोटोज को क्लिक कर सकते हो, जिसमें गाइस आपकी फोटो नेक्स्ट लेवल आएगी, जिसमें गाइस अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि आपकी फोटोज कैसी आने वाली है इसमें। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया स्टार्टिंग में, जो कि मैंने वीडियो से रिलेटेड बताई थी। अब गाइस देखिए, मेरे को जो है इस फोन में सबसे बेस्ट चीज सबसे ज्यादा ये लगी कि गाइस आप लोग जो इसमें अपनी वीडियो को स्टेबलाइजेशन मोड में भी आप वीडियो को जो है अपने शूट कर सकते हो, जो कि गाइस अभी जो है मतलब ज्यादातर फोनों में नहीं आया, जो कि सिर्फ आईफोन में, लेकिन ओप्पो ने आपको ये चीज भी दी है जिसमें गाइस आप लोग अपनी वीडियो को जो है स्टेबलाइजेशन मोड में शूट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप लोगों को दो फॉर्मेट दिख रहे होंगे, एक जो है स्टेबलाइजेशन मोड से क्लिक किया हुआ है एंड एक जो है जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे दूसरा नॉर्मल कैमरे से शूट किया गया है, जिसमें गाइस यहाँ पे आप लोगों को वीडियो कितनी हिलती भी दिख रही होगी, लेकिन फर्स्ट वाले में जो स्टेबलाइजेशन मोड से शूट किया गया है तो वो वीडियो देखेगा एकदम स्टेबल है। यहाँ पे गाइस मान लीजिए मतलब अगर आप कोई वॉइस वगैरह वीडियोज बनाते हो या फिर अगर आपको ये मिनी ब्लॉग वगैरह बनाते हो तो ये जो मतलब मोड है गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए, तो इस मोड को भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे वीडियो एंड फोटोज का। अब गाइस एक बार प्रो मोड की तरफ भी चल लेते हैं, क्योंकि प्रो मोड जो है मतलब मैं जैसे मतलब ये वर्ड ही जो है प्रो मोड, इसको देखकर ही मतलब ऐसा लगता है कि मैं सुन के कि कोई तगड़ी चीज होने वाली है। तो चलिए एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कैसी फोटोज आने वाली है। अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की, जो कि गाइस आप पोर्ट्रेट जो है मतलब हर फोनों में जो है क्लियरली फोटोज नहीं क्लिक कर पाता है, बट गाइस ओप्पो में जो है क्या है कि मतलब कि अगर आप इसमें फोटोज क्लिक करते हो तो आपको एजेस वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर मिलते हैं। बाकी फोनों में क्या होता है अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज को क्लिक करते हो तो आपकी एजेस वगैरह जो है अच्छे से मतलब कि आप रिमूव नहीं कर पाता, लेकिन गाइस देखिए इसमें जो है फोटोज काफी नेक्स्ट लेवल आती है। तो चलिए आपको ये भी एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस हम लोगों ने जो बैक कैमरे से तो बहुत कुछ हमने ट्राई कर लिया, बट आप लोगों को मैं एक बार फ्रंट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस फ्रंट में जो हमने गाइस यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा मिलता है, जिसमें गाइस आपकी फोटोज आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई जो बैक कैमरे में आपने देखी थी, तो गाइस हमें फ्रंट में भी मिलता है। तो यहाँ पे एक बार मैंने फ्रंट में फोटोज को क्लिक करी, तो चलिए वो एक बार उसको भी दिखा देता हूँ। तो बस ये थी गाइस मैंने जो आप लोगों के साथ डिटेल अभी शेयर करी, जो कि मैंने गाइस पर्सनली मैं इस फोन को खुद यूज कर रहा हूँ, मेरे को सारे एक्सपीरियंस के मतलब तगड़े लगे,
मैं जब से यूज कर रहा हूँ मैंने सारी वीडियोस वगैरह भी इसी से शूट करी है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं इसी फोन से बना रहा हूँ, तो आप लोगों के सामने जो भी रिजल्ट है यहाँ पे। एंड बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलेगा किसी नए वीडियो में, तो पहले कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। गुड बाय।